सेत्थानं प्लुमो आईरियानं प्लुमो वज्जायानं प्लुमो लोय सबिसाहूनं मन आचार्य समंत भद्र स्वामी की अनुपम कृति रत्नकर्ण श्रापकाचार के आधार से संलेखना के ऊपर अपन ने चर्चा प्रारंभ की है। संलेखना का स्वरूप और महत्व के बाद में, चूंकि संलेखना समस्त उत्सवों में सर्वोत्तम कृष्ट उत्सव है, महामहोत्सव है, इसलिए उसकी पूर्व तैयारी कैसे करें, क्योंकि जो जितना बड़ा उत्सव होता है उसकी तैयारी भी उतनी ही उच्च स्तर से करनी पड़ती है। तो ये चूंकि महामहोत्सव है, सभी साधक जीवों के द्वारा भी किया जाने वाला आयोजन है, इसलिए इसकी पूर्व तैयारी कैसे करें, इस संदर्भ में अपन ने 5 बिंदुओं से चर्चा की। पहला तो ये कि जितने जो कुछ भी संयोग बने हैं, मिले हैं, वे सभी अशरण हैं। सबसे पहला तो उसके पहले का था अशरण, तो दूसरे नंबर पर कि ये सभी अस्थिर हैं, क्षणिक हैं, यानी जो भी संयोग बना है, जो भी परिस्थिति बनी है, वह कब विघटित हो जाएगी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक समय पहले जिस सुंदरतम स्थिति में अपन बैठे हैं, एक समय बाद वह सुंदरतम स्थिति रहेगी, इसकी गारंटी नहीं है। और ये भले अपन ने अपने ही जीवन को लेकर के अनुभव ना की हो, पर बाकी यहाँ वहाँ के दृश्यों से तो अनुभव कर ही ली है ना। गुजरात में जो भूकंप आया, 1 सेकंड पहले सूचना मिली थी, भुज में जो भूकंप आया था ना, यानी 8:40 पर आया था, तो 8:39 पर लोगों को कुछ समाचार था। तो अपने जैसे बेबी तो अपने अपने काम में मस्त रहे होंगे ना, सब अपने अपने हिसाब से, और 8:40 पर क्या हाल हुआ, कहीं का भी ले लें, कोई भी रेल दुर्घटना हो जाती तो 1 सेकंड पहले को सूचना रहती, एरोप्लेन दुर्घटना हो जाती 1 सेकंड पहले को सूचना रहती, कहीं भी बम गिर जाता, बम विस्फोट हो जाता, 1 सेकंड पहले को सूचना है, यानी कितनी बढ़िया सुंदरतम परिस्थिति रहती है और 1 सेकंड में क्या से क्या हो जाता। तो ये यदि निरंतर अपने को ख्याल में रहे तो संयोगों को लेकर के जो अपनी वृत्तियां बन रही कि नहीं इतना बढ़िया है तब तो हमारे लिए टिकेगा, हम इसमें रह करके बहुत बहुत अपना आगे विकास कर लेंगे, ये मनोवृत्ति छूटेगी, यानी सभी संयोग अस्थिर हैं। एक बात। दूसरी बात कि जितने दिन भी वे रहेंगे, अस्थिर तो हैं ही, नष्ट होंगे, पर जितने दिन हैं उतने दिन में भी शरणदायी नहीं है, यानी जो भी अपने ऊपर परिस्थिति बनेगी उसको अपने को पूर्णतया एकाकी सहन करना पड़ेगा,
आसपास भले कितने ही संयोगी जीव क्यों ना बैठे रहें, वो आश्रम राजा की कहानी बताई थी ना, क्यों उसने अपने को अनाथ महसूस किया, मात्र इसलिए ही ना तो कि घर में सभी विद्यमान थे, नौकर चाकर पत्नी माता पिता मंत्री सभी वैद्य डॉक्टर सभी, पर मेरे सिर के दर्द को दूर नहीं कर सके, मुझे अकेले भोगना पड़ा। तो ये अकेले भोगने की स्थिति मात्र उस राजा के साथ ही बनी थी कि प्रति क्षण अपन सभी के साथ बन रही, यानी माता पिता सुविधाएं कितनी भी जुटा देवे पर जो दुख दर्द हुआ है उसे कोई बांट सकता क्या, डॉक्टर दवाइयां कितनी भी लिख देवे पर जो दुख दर्द चल रहा है जब तक वो नहीं मिटा तो नहीं मिटा, अपने को अकेले भोगना पड़ता। यानी जितने भी संयोग है वे सब अशरण हैं, रंज मात्र भी अपने को सहारा देने में सक्षम नहीं है। ये बात यदि निरंतर ध्यान में रहे तो संयोगों की ओर से दृष्टि छूटेगी, और चूंकि अस्थिर हैं अशरण हैं इसीलिए असार हैं, यानी मेरे किसी काम के नहीं है, क्योंकि इनका होना और नहीं होना मेरे दुख दर्द के लिए कोई मायने नहीं रखता, जो भी होता है वो मुझे अकेले भोगना पड़ता, तो रहें तो भी क्या और नहीं रहें तो भी क्या, यानी ये सभी संयोग असार हैं। और चौथा बिंदु कि जो ये शरीर मिला है यद्यपि संयोग में वो भी आ जाता है पर ये अनादि से चल रहा ना, तो अन्य संयोगों की अपेक्षा इसके प्रति अपन कुछ अधिक ही आ सकते हैं, यानी अन्य संयोगों के प्रति की आसक्ति तो टूट भी जाए वो शरीर के प्रति आसक्ति तोड़े भी नहीं टूटती। बेटा बहुत प्यारा लगता हो ना और सब तरह से जी जान से उसकी सेवा करने को तैयार हो, पर यदि स्वयं ही बीमार पड़ जाए तो फिर बेटे की सेवा जायज हो, फिर हमें मतलब नहीं। यानी हम स्वस्थ हों तो बेटे की सेवा जी जान से कर सकते हैं, और हम ही बीमार हो जाएं तो बीमार बेटे से ये अपेक्षा करने लगेंगे कि वो हमारी सेवा कर दे। यानी शरीर के प्रति इतनी आसक्ति है कि उसके माध्यम से अन्य सबकी आसक्ति भी टूट जाती है। पूरे घर में लगा लेना अपनी कि जिनके पीछे अपन कितना कितना करने को तैयार, और जब अपने शरीर की स्थिति डामांडोल होने लगती तो सारा मोह एक तरफ रखा रह जाता, अपनी अपन दिखते हैं, लगता कि सारा घर हमारे ऊपर समर्पित हो जाए, हमारे शरीर के लिए लग जाए। तो शरीर के प्रति कुछ अधिक ही अपन आ सकते हैं, इसलिए यद्यपि संयोगों में उसकी चर्चा आ जाती है तो भी अलग से की, और वो किसको लेकर के कि जिसके प्रति आसक्ति चल रही है एक बार उसका गहराई से विचार तो कर लेंगे, उसका स्वरूप क्या है, कितना घिनावना, क्या उपलब्धि होने वाली इसके प्रति की आसक्ति का। यानी निरंतर सात धातुओं से तन्मय उससे बना हुआ वही उगलने वाला, और कितना कुछ भी करें तो भी किसी भी कीमत पर स्थायी नहीं रहेगा, और रोगों का ही भंडार, कितना ही इलाज करना रोगों के भंडार को छोड़कर ये निरोगता का घर तो कभी भी बनने वाला नहीं है। अब क्या फर्क पड़ा कि कौन सा रोग उभरा हो कौन सा नहीं उभरा, पर तो रोगों की खदान है। इस रूप में यदि विचार करेंगे तो शरीर के प्रति आसक्ति कम होगी। और पांचवा बिंदु जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण कि जो भी ये परिस्थितियां हैं जो भी ये संयोग हैं, मैं ऐसा इन सब से पूर्णतया निरपेक्ष शाश्वत सत्ता संपन्न तत्व कि इन सब का मेरे ऊपर कुछ असर ही नहीं पड़ता, यानी संयोग कितने ही मिले बिछुड़े पर मेरे में एक रत्ती पाई का भी फर्क नहीं पड़ता, शरीर कितने ही छूटे छूटे रहें पर मेरे द्रव्य गुण पर्याय पर कुछ भी असर नहीं पड़ता, शरीर कितना ही रोगों से घिर जाए
पर मेरे अनंत चतुष्टय को रंच मात्र प्रभावित नहीं कर पाता। तो जब मैं उनसे पूर्णतया अप्रभावित रहने वाला तत्व हूँ, उनका मेरे ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ना है, तो हम उनको देख देख करके परेशान क्यों हूँ? रहते हैं तो रहें, जाते हैं तो जाएं, फर्क क्या पड़ना मेरी सत्ता पर। और मैं किसी भी रूप में रहूं, परसों तो काफी विस्तार से चर्चा की थी ना कि ईमानदार काम करने वाला ट्रांसफर से नहीं घबराता। क्यों? क्योंकि कहीं भी रहें, काम तो मुझे अपनी सीमा में रहकर अपना करना है ना। तो कहीं भी छोड़ भेज दे गवर्नमेंट, हमारा क्या बिगड़ता। ऐसे ही जिसने अपनी शाश्वत सत्ता की जानकारी कर ली है, उसकी प्रतीति कर ली है, उसका तो ये दृढ़तम विश्वास हो गया कि मैं कहीं भी रहूं, कैसे भी आकार प्रकार में रहूं, कैसे भी परिस्थितियों के बीच में रहूं, तो भी मुझे जब भी सुख शांति मिलेगी स्वरूप लीनता से ही मिलेगी। इन बाय किसी भी प्रकार की विकृत अथवा अविकृत परिस्थितियों से मिलने वाली ही नहीं है, छोटे बड़े आकार प्रकार से मिलने वाली ही नहीं है, मनुष्य त्रयंच आदि गतियों से मिलने वाली ही नहीं है। तो जब इनमें से हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, तो हम क्यों चिंता करें कि कौन सी गति और कौन सी नहीं, कैसा आकार कैसा नहीं, कैसा संयोग और कैसा नहीं। भी कुछ मिलने वाला हो तो सोच, जब उनसे कुछ मिलने वाला ही नहीं, मेरे में से मुझे मिलना है, मेरी पर्याय कोई मिलना है, अन्य किसी को मिलना नहीं है, अन्य कहीं से मिलना नहीं, तो क्यों हम सोचें। ऐसी पूर्ण निरपेक्ष शाश्वत सत्ता अपनी स्वीकृत हो जाती है, तो इन संपूर्ण संयोगों से और शरीर से अपने आप ही विरक्ति का भाव जग जाता। और दूसरी बात और भी थी कि जब शाश्वत सत्ता है तो ये संयोग तो यहां मिले है ना, मैं यही रहने वाला तो हूं नहीं, मुझे तो आगे भी जाना, तो यहाँ की अकेली व्यवस्था करने से मुझे क्या उपलब्धि होने वाली। तो धर्मशाला का उदाहरण दिया था ना, अकेले धर्मशाला की व्यवस्था करने से क्या होने वाला, क्या उपलब्धि होगी, जाना तो आगे है, तो आगे भी किसी धर्मशाला में ठहरेंगे, वहां की भी तो कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, और उससे आगे भी जाना। यानी अनादि काल से यात्रा चल रही है और अनंत काल तक यात्रा चलनी है, भले ही एक स्थान पर स्थिर हो जाए सिद्धालय में, तो भी परिणमन तो वहां भी अनंत काल तक चलना है ना, निरंतर नया नया आनंद भोगना है, वो पुराना काम आने वाला नहीं है। यानी निरंतर नया नया पुरुषार्थ चालू रहना है, तो जहां हम टिकने वाले ही नहीं है, वहां की व्यवस्था बनाने में अपना अनमोल समय क्यों बर्बाद करें। इसके बल पर संपूर्ण पर पदार्थों से दृष्टि हटती और फिर संयोग छूटे तो ठीक, नहीं छूटे तो ठीक, यानी हर प्रसंग में समता भाव रहता और इसके बल पर समाधि की आराधना होती, इसके बल पर साम्य भाव बना रहता, सहज रूप में सारे संयोगों से विरक्ति होके छूटते समय रंच मात्र भी संकलेश परिणाम नहीं होता। अब इससे आगे की चर्चा, यानी ये तो अपनी चर्चा थी परसों तक की, क्योंकि कल का गैप पड़ गया ना, तो अपनी बुद्धि ऐसी कि एक दिन का भी गैप पड़ जाए ना, तो लगता ना जाने कितना पुराना हो गया विषय, यानी सारा साफ होता हुआ दिखता, इसलिए इतने विस्तार से दोहराया। अब नई चर्चा कि सब जब तक वास्तव में संयोग विघटित नहीं हुए, जब तक वास्तव में शरीर में कोई रोग नहीं आया, तब तक तो ये बात बिल्कुल जस्ती है कि हाँ बराबर संयोग हमारा कोई साथ नहीं देगा, शरीर की बीमारी स्थिति हमारे लिए कोई परेशान करने वाली नहीं है, यानी तब तक ये सारी भेद विज्ञान की बातें पूर्णतया स्वीकृत हो जाती, कहीं कोई परेशानी नहीं। पर जब वास्तव में ही वो संयोग विकसित होता, यानी अभी सब तरह की अनुकूलता मिल रही ना, आराम से भोजन है, पानी है, रहने को मकान है, पहनने को कपड़े हैं, सब आराम से व्यवस्था, तो लगता हाँ हमें इनसे कोई भी लेना देना नहीं, जाएं तो जाएं, रहें तो रहें। पर जब वास्तव में ही भोजन नहीं मिलता
और लगता कि अब तो किसी कीमत पर भोजन मिलने वाला नहीं है। तब तो नहीं साहब, भोजन के बिना कैसे काम चलेगा, पानी के बिना कैसे काम चलेगा। जब वास्तव में लगने लगे कि अब रहने के लिए एक कमरा भी मेरे पास नहीं है, तब लगता कि हे भगवान, सिर कहाँ ढकाँ छिपाएंगे, अपनी इज्जत कहाँ सुरक्षित रखेंगे, ये व्यभिचारियों का पूरा बड़ा बड़ा हुआ माहौल, और इनके बीच में अपना शील कैसे सुरक्षित रखेंगे। तो तब तो फिर संयोगी शरण भूत हैं वो मकानी शरण भूत है, ऐसा लगने लगता। यदि शील की सुरक्षा कोई करेगा तो वो मकान ही करेगा, वो ताला ही करेगा, वो पैकबंदी करेगा, बाकी तो कोई करने में सक्षम नहीं। तो ऐसी जब परिस्थितियां बनती हैं, तब भी ये जो अभी अपन ने निर्णय किया पांच बातों का, ये निर्णय अखंडित बना रहे इसके लिए क्या करें। तो इसके लिए फिर दूसरे प्रकार की तैयारी। परसों एक बात कहकर के बात छोड़ी थी, समाप्त की थी, बुद्धिमान व्यापारी अथवा बुद्धिमान व्यवस्थापक, बुद्धिमान आयोजक वह होता है कि जो अपनी सामान्य व्यवस्था के अंतर्गत ही ये सोच के शांत नहीं बैठता कि मैंने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, अब मेरे ऊपर कोई प्रतिकूल परिस्थिति बनेगी ही नहीं, बल्कि ये सोच के कि प्रतिकूल परिस्थिति बनना तो स्वाभाविक है, तो इस सामान्य व्यवस्था के साथ साथ ही प्रतिकूल प्रसंगों के लिए भी एक अलग से व्यवस्था करके रखें। वो गुलबर्गा का सुनाया था ना कि पेट्रोल पंप था तो 200 मीटर का पाइप 24 घंटे हाजिर, बिल्कुल फिट, यानी नल की टोंटी में फिट, 200 मीटर का पाइप 24 घंटे हाजिर, यानी इतने बड़े कार्यक्रम में भी उसको हटा नहीं सकते, ये तो किसी कीमत पर नहीं हटेगा। अब आप बोलो कैसे स्टेज बना सकते, यानी ये तो यहाँ ही रहेगा, अब आपके पास कोई दूसरा उपाय हो तो बोलो, हम सब सुनेंगे, पर इस संदर्भ में कुछ भी नहीं सुनेंगे, ये तो यहाँ ही रहेगा। सोचो, ऐसे ही अपन सोच रहे, ये सोच के नहीं कि नहीं हम तो खूब पुण्य करेंगे, हमारे ऊपर भगवान कोई ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति ना आ जावे, ये सोचना ये बुद्धिमानी नहीं है। तो बुद्धिमानी क्या है कि ये तो मान के ही चलो कि यहाँ प्रतिकूल परिस्थिति तो आएगी ही आएगी, पर हम अपनी ऐसी तैयारी कर लें कि वो प्रतिकूल परिस्थिति हमारे लिए कोई मायने ही ना रखे। जगह जगह वो अग्निशामक वो रख लेते ना, बाल्टियां क्यों रख लेते, सब हम तो पूरे अपनी बिल्डिंग फायर प्रूफ बनाई है, कहीं आग लगेगी नहीं, पेट्रोल पंपों पे तो पहले से सारी व्यवस्था रहती ना फायर प्रूफ की, तो फिर क्यों अग्निशामक यंत्र रखते। सब कभी भी अग्नि तो लग ही सकती है, कितनी फायर प्रूफ हो तो उससे क्या होना है, अग्नि तो लग ही सकती है, तो लग सकती है, इसके लिए तैयारी रखते ना, यानी ये सोच के तैयारी से हटते नहीं है कि नहीं हम तो कहीं भी आग नहीं लगेगी इसके लिए पूरी व्यवस्था कर ली, तो अब अग्निशामक की क्या जरूरत, अब हमारी डायरी में फायर ब्रिगेड का नंबर रखने लिखने की क्या आवश्यकता, हम तो पूरी ऐसी व्यवस्था कर ली कि कभी हमारी आग लगेगी नहीं, ऐसा कोई सोचता, हम तो पूरी अपनी बिल्डिंग को जाली लगा लगा करके पैक कर लिया तो हमारे यहाँ तो कभी चोर आ ही नहीं सकता, तो पुलिस स्टेशन के फोन नंबर लिखने की क्या आवश्यकता डायरी में, ऐसा कोई विचार करता। सारी व्यवस्था कर लेने के बाद भी पुलिस स्टेशन का फोन नंबर रखता, न जाने कब क्या हो जाए, न जाने कब कहां से चोर आ जाए, कि नहीं पूरा पैक कर लिया ना आपने तो जाली लगा लगा के, कि नहीं सब तो ही। यानी बुद्धिमान किसे कहते कि सारी सुंदरतम व्यवस्था होने पर भी कहीं भी कुछ भी अघटित घट सकता, तो उसके लिए 24 घंटे जो अपनी तैयारी रखे वो बुद्धिमान कहलाता है। इसके बल पर कि नहीं हम तो अभी सुंदरतम व्यवस्था कर ली इसलिए हमारे ऊपर तो कोई अघटित घटेगा ही नहीं, और ऐसा सोच करके निश्चिंत होके बैठे वो लोक में भी बुद्धिमान नहीं कहलाता। हर प्रसंग में देख लेना आप,
कौन बुद्धिमान, किसे बुद्धिमान कहते। तो ऐसे यहां भी कि सब हम तो ये सारे निर्णय कर लिया, अब हमारे ऊपर तो कोई ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी कि धोखे में नहीं रहना। परिस्थिति तो नहीं आई, इसमें आश्चर्य समझना, आने में आश्चर्य नहीं समझना, क्योंकि संसार है। यहाँ निर्वाध पुण्य तीर्थंकर जैसों का भी नहीं रहता है, अपन तो हैं किस खेत की मूली, अपनी तो हैसियत क्या है। निर्वाध पुण्य तीर्थंकरों का नहीं रहता, निर्वाध पुण्य नारायणों का नहीं रहता, बलभद्रों का नहीं रहता, चक्रवर्तियों का नहीं रहता, अपनी तो क्या स्थिति है, क्या सुविधाएं अपने पास, अपना पुण्य है कितना सा। तो असुविधाएं ना हो ये नहीं सोचना, आश्चर्य तो इस पर करना कि ऐसे सवाद पुण्य के बीच में रहने पर भी अभी तक ये सुविधाएं बनी कैसे रही, क्योंकि तो निर्वाध पुण्य तो यहाँ किसी का है ही नहीं। तो इतने लंबे जीवन तक अभी तक कोई भी असुविधा नहीं आई जीवन में, ऐसा हो कैसे गया, ये तो ऐसा लग रहा जैसे निर्वाध पुण्य हो, पर यहाँ तो निर्वाध पुण्य होता नहीं। तो आश्चर्य तो इस पे हो कि इतनी निर्वाधता इतने लंबे जीवन तक टिक कैसे गई एक रूप में। कोई नई समस्या आ जाए तो इस पे आश्चर्य नहीं हो कि हमने इतनी सुंदरतम व्यवस्था बनाई थी, ये असुविधा आ कहां से गई, इस पे आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुण्य पाप कभी संसार में निर्वाध होते ही नहीं। यहाँ तो पुण्य के बाद पाप और पाप के बाद पुण्य, बिल्कुल लगा ही है राहट की घड़ियों के समान, दिन रात के समान, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, आना ही आना है। कभी सबके जीवन में दिन दिन ही चलता रहे, और सभी किसी कभी किसी के जीवन में रात 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 आती चलती रहे, ये कभी हो ही नहीं सकता संसार में। तो अब उस समय के लिए क्या तैयारी करें, इसके लिए एक विशिष्ट तैयारी करने की प्रेरणा अथवा सुझाव सलाह अथवा उपदेश आज्ञा आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने अष्टपावड में दी। वे मोक्ष पावड में लिखते हैं, गाथा नंबर 62 में क्या लिखते हैं वे, सोहेन भाविदम नानम दोहे जादे बिनसदे तम्हा जहा बलम जोई अपादुखे ही भावे। क्या लिख रहे, सीधी सीधी गाथा है, सुहेन भाविदम नानम, सुख से भाया हुआ भेद विज्ञान दोहे जादे बिनसदे, दुख आने पर नष्ट हो जाता। यदि सुख से भेद विज्ञान की भावना भाई होगी, सुख मतलब लौकिक अनुकूलताएं, यहाँ सुख यानी अतीन्द्रिय सुख नहीं, और दुख मतलब लौकिक प्रतिकूलताएं, तो लौकिक अनुकूलताओं में यदि आपने भेद विज्ञान की भावना भाई होगी तो वह नियम से लौकिक प्रतिकूलता आने पर नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए क्या करना कि तम्मा जहां बलम, इसलिए जितनी आप में ताकत है, जितनी आप में शक्ति है, पूरी शक्ति लगा करके दुख की अवस्था बना करके भेद विज्ञान की भावना करो। क्या कह रहे, दुख जब आएगा तब नहीं, यानी जिस समय सारी अनुकूलताएं विद्यमान हैं उस समय दुख का नाटक करो, और उस नाटक में हमारा भेद विज्ञान कितना टिकता ये निरीक्षण करो। अभी अपन विस्तार देंगे, मतलब कैसे नाटक करने की, वो कैसे काल्पनिक लोक में विचरण करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका ही संस्कृत अनुवाद समाधि तंत्र में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा। ये सब प्रमाण में इसलिए बता रही कि जो मैं बात कहना चाह रही वो तीव्र पुण्य के उदय वालों को जचेगी नहीं, कि भाई ये भी कोई बात हुई, यानी हमारे पास सब प्रकार की अनुकूलता, अब हम जानबूझ करके प्रतिकूलता का नाटक करें, यानी बराबर हमारा फैमिली डॉक्टर बैठा है और यहाँ तकलीफ हो रही, तो सोचेंगे नहीं वो कोई डॉक्टर है ही नहीं, आज वो डॉक्टर तो वो तो विदेश चला गया, अब वो तो एक महीने तक आने वाला नहीं है, और दूसरे डॉक्टर तो दूर बैठे हैं, वे तत्काल आने वाले नहीं। क्या मतलब इस सोचने में, अरे बैठा है ना पास में, हमारे पास कमी क्या है, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तो क्यों हम ऐसा सोचें।
पर आचार्य आज्ञा दे रहे हैं ना, आचार्य ऐसा उपदेश दे रहे हैं ना, आदेश दे रहे हैं ना, तो वे कुछ सोच करके ही तो दे रहे होंगे ना, है ना। उनके जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटी हैं, उनके भक्तों के जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटी हैं, उनकी शिष्य मंडली को भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, और उससे उनने पूरा ही अनुभव कर लिया कि यदि ऐसी परिस्थितियां बुद्धि पूर्वक उपस्थित करके उनमें भेद विज्ञान की भावना नहीं भाई, तो जब अपने आप ऐसी परिस्थितियां बनेंगी तो ये भेद विज्ञान टिक नहीं पाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। देखो लोक का ऐसा नियम है कि अपने घरों की बड़ी बड़ी मतलब अच्छी आर्थिक परिस्थिति वाले घरों की लड़कियां हैं ना, खूब नौकर चाकर लगी हर काम के लिए, है ना, रसोई बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, झाड़ू पोंछा करने के सब काम के लिए लगी। तो भी माँ उस बेटी को क्या सलाह देती, बेटा यहाँ तो सारी सुविधाएं हैं, तुझे कुछ नहीं करना, और तेरे लिए इससे भी बढ़िया घर भी खोजेंगे। ऐसा नहीं सोचना कि कोई हमें तुझसे चिढ़ है, तो हम जितने धनी में हैं, तेरा बचपन जितना धनी परिवार में बीता, तुझे कोई गरीब परिवार में पटकेंगे, ऐसा नहीं सोचना, इससे भी ज्यादा धनी परिवार खोजेंगे। तो भी सबकी स्थितियां एक सी नहीं रहती हैं, ना जाने कब आर्थिक परिस्थिति कैसी हो जाए, तो थोड़ा काम करने की आदत डाल। क्या समझाती, तुझे गरीब परिवार में देंगे इसलिए काम करने की आदत डाल, ये नहीं, अपने से ज्यादा धनी परिवार में देंगे तो भी धनी परिवार उस समय ही तो देख सकते हैं ना हम, भविष्य में वो वैसा ही रहेगा इसकी गारंटी क्या है, ये तो भवितव्यता के ऊपर आधीन है, पुण्य पाप के ऊपर आधीन है। तो यदि तूने इसमें आकर, इस घमंड में आकर के कि मेरे पास कमी क्या है, हर काम के लिए नौकर चाकर लगे, मैं क्यों कुछ काम करूं, तो इस घमंड के वशीभूत होकर के रंच मात्र भी काम करने की आदत नहीं डाली, और कदाचित यदि वैसा प्रसंग बन गया तो बहुत कठिनाई आएगी, बहुत अधिक परेशान होगी, तो उस परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए तेरे भले के लिए कहती हूं कि थोड़ा थोड़ा अभ्यास डाल, भले रसोई लगी है तो भी कुछ थोड़ी रसोई बनाना सीख ले, भले ही नौकर चाकर सब बर्तन चौका कुछ भी नहीं करना पड़ता, तो भी बर्तन कैसे साफ किया जाता है सीख ले। कहती कि नहीं मां बोलो ये, तो ऐसा जो मां कहती है वो मां अपनी हितेच्छुक है कि अपनी शत्रु है, अपना बुरा चाह रही कि अच्छा चाह रही। देखो तू स्वयं को कुछ काम करना नहीं पड़ता, मुझसे कहती काम कर, घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं, कुछ भी काम कोई करता नहीं, और हमसे कहती है काम करो। तो बोलो ऐसा जब वो माँ कहती है तो अपने को कैसा लगता, वो माँ अपना हित चाह रही है इसलिए कह रही है कि वास्तव में माँ अपने को नौकरानी बनाना चाह रही इसलिए कह रही है, यानी नौकरों को आराम देवे और लड़की मेहनत करती रहे ऐसा चाह रही इसलिए कह रही, बोलो कैसा लगता अपने को। कह रही माँ मेरा हित चाह रही है, ये परम सत्य बता रही है कि ना जाने कब कैसी परिस्थिति बन जाए, तो कुछ काम करना आता होगा तो भले वो कच्ची जली कैसी भी हो पर रोटियां बना के पेट भर तो लेंगे, और आटा गूंथना ही नहीं आता होगा तो क्या होगा, तो माँ तो उस दिन के लिए हमें तैयार कर रही है, वो हमें यहाँ नौकरानी नहीं बनाना चाह रही, यानी नौकरों को आराम करवाए और मुझे काम करवाए ऐसा नहीं है उसकी इच्छा। तो क्या कि यदि कभी कदाचित वैसा प्रसंग बन गया तो भूखे ना रहना पड़े, यदि कभी कभी कदाचित कपड़े धोने वाली नहीं आए तो बिना धुले कपड़े ना पहनना पड़े, इसके लिए कह रही है माँ के बेटा सीख कुछ कपड़े धोना, यदि कभी वो झाड़ू लगाने वाली नहीं आए तो गंदे में ही हमें नहीं रहना पड़े, इसके लिए वो कह रही है कि बेटा सीख थोड़ा सा झाड़ू पोछा लगाना, यानी वो माँ मेरा हित चाह रही है। ऐसी जिनवाणी माँ है ना, ये भी कह रही है कि नहीं बेटा सुख में तो भेद विज्ञान बहुत भाया है पर दुख का प्रसंग आने पर ही टिकेगा नहीं, इसलिए जब तक वो प्रतिकूलता का प्रसंग नहीं आया उसके पहले पहले उसकी तैयारी कर लो। है ना, बेटी को काम कब सिखाती, जब वो वैसी परिस्थिति आ जाएगी तब नहीं, पहले जब आ जाएगी तब क्या सिखाना,
तब तो जो होगा तो निपटेगी बिचारी, भोगेगी तब क्या। तो ऐसा समाधि तंत्र में आचार्य पूज्यपाद स्वामी भी कहते हैं अपने समाधि तंत्र के 102 नंबर के श्लोक में, अतुख्य भावितम ज्ञानम छीयते दुख सन्निधौ तस्माद्यथा बलम दुखै रात्मानं भावेत मुनि। अदुख की परिस्थिति में भाया गया भेद विज्ञान, अदुख यानी अनुकूलता, तो अनुकूलता की परिस्थिति में भाया गया भेद विज्ञान दुख सन्निधौ, प्रतिकूलता की परिस्थिति बनने पर नष्ट हो जाता, छीते बिल्कुल नष्ट हो जाता। इसलिए जैसे बने तैसे अनुकूलता की परिस्थिति में काल्पनिक प्रतिकूलता की परिस्थिति खड़ी करके भेद विज्ञान की भावना भाव है तो नहीं, अभी पुण्य का उदय चल रहा तो काल्पनिक खड़ी करो, यानी नाटक करो उसका, और नाटक करके अपने भेद विज्ञान को दृढ़ करने का प्रयास करो, तो यदि कदाचित वैसी परिस्थिति बन जाएगी तो वो प्रैक्टिस उस समय काम आएगी। अभी जैसे माँ कहते ना बेटी को नाटक कर दो, नहीं तुम काम करो, तो असली काम कर रही कि नाटक कर रही, सीखने की आदत डाल रही है, सीखना चाह रही, तो सीखने में तो पूरा नाटकीकरण है ना, कोई जिम्मेदारी तो है नहीं, कभी थोड़ा बहुत कुछ सीख लिया, कभी कुछ सीख लिया, कभी कुछ सीख लिया, जिम्मेदारी तो कुछ नहीं। तो वे कहते ऐसा करो तो टिकेगा, अब उसमें किन किन बातों को लेकर के करें, इसके लिए मैंने कुछ नोट कुछ पॉइंट चुने हैं, कुछ बिंदु चुने हैं कि जिनका अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक। वो कौन कौन? सबसे पहला तो ये कि आत्मबल बढ़ाएं, वो कैसे कैसे इसकी चर्चा आएगी क्रम क्रम से, आत्मबल बढ़ाना। दूसरा, परिस्थिति के मूल कारण की खोज कर कर्म सिद्धांत का विचार करना। क्या? परिस्थिति के मूल कारण की खोज कर कर्म सिद्धांत का विचार करना। तीसरा, विश्व व्यवस्था और वस्तु व्यवस्था का विचार करना, इनमें परस्पर में संबंध है, यानी एक से समता नहीं आई तो दूसरा, दूसरे से समता नहीं आई तो तीसरा, तीसरे से समता नहीं आई तो चौथा, यानी उत्तरोत्तर आगे आगे। तीसरा,